पिछले वीडियो में काजीरंगा राष्ट्रीय ऑर्किड और बायोडायवर्सिटी पार्क में हमने ऑर्किड अनुभाग में 600 से अधिक प्रकार के ऑर्किड फूलों को देखा। अगर आपने ऑर्किड पार्क का वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर देखें। हमने वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में रखी है। आज हम पार्क में अपनी यात्रा जारी रखेंगे और भारत के असम एवं उत्तर पूर्व के हस्तशिल्प और हथकरघा मतलब हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम संग्रहालय और चावल संग्रहालय का दौरा करेंगे। इस खंड में हम असम और भारत के उत्तर पूर्व के पारंपरिक संगीत में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संगीत वाद्य यंत्रों को देखेंगे। यहाँ आप पेपा, टोका, गोगोना, सुतुली, बांसुरी, बीन, भोरताल, ख्राम, मदल, बिहुतल, टोकरी, सिंगा, खोल, डोबा, मृदंग, डागर, दोतारा, नगाड़ा, ढोल, बोर ढोल, जोई ढोल, सारंगी, कैलिया या कैला जैसे कई अलग अलग संगीत वाद्य यंत्र म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स देख सकते हैं। असम को सबसे पहले अपने रेशम, बेंत और बांस उत्पादों के कारण पहचान मिली, जिन्हें आज भी इसकी सबसे अच्छी पेशकश माना जाता है। समय के साथ कई और दिलचस्प हस्तशिल्प रूप सामने आए हैं, जैसे धातु शिल्प, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पेंटिंग और कास्ट कला। सार्थेबारी बेल मेटल उद्योग बांस शिल्प के बाद असम में दूसरा सबसे बड़ा हस्तशिल्प क्षेत्र है।
आप कपड़ा भंडारण टोकरी, रेशम कीट को कोकून रखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टोकरी, कपास जिन डोकेट, तकली, चरखा, विभिन्न कताई उपकरण, झाड़ू, धूम्रपान पाइप, हुक्का, तराजू, दुल्हन की पालकी, अहोम की शाही पालकी भी देख सकते हैं। रसोई के बर्तनों में हम पारंपरिक रूप से उपयोग किए जाने वाली लकड़ी, बांस और बेंत से बने छोटे और बड़े कटोरे, टोकरी, चम्मच, लकड़ी की केतली, बांस का जग, चाय की छलनी, अन्य छलनी, सूप, डगरा या डाला, ओखली और मूसल, भोजन परोसने की प्लेट और ट्रे, लकड़ी की करछुल, लटकती बास्केट, लौकी से बनी हुई पानी की बॉटल्स और अन्य विभिन्न वस्तुएं जैसे कि लौकी से बनी नमक रखने के लिए टोकरी देख सकते हैं। असम अपने जलीय संसाधनों में बहुत समृद्ध है। असम में मछली पकड़ने के उपकरण ज्यादातर ग्रामीण स्वयं बांस और बेंत से बनाते हैं, जिसमें जुल्की, पोलो, जकोई, खलोई, सेप्पा, जाथी, सोली, कोंच, खलोई या कोक, मछली पकड़ने के जाल, रोड, दारकी, बोरोक्सी, ढेकी जाल, सलोनी आदि शामिल हैं। आप गन्ने का रस निकालने वाली मशीन, लकड़ी का बक्सा, एक तारा, दुतारा, टोकरी जैसे संगीत वाद्य यंत्र, लौकी से बनाए पात्र, धनुष, तीर रखने वाला तरकश बैग, बिहू नृत्य में उपयोग किया जाने वाला हॉर्न या सींग, गांधी जी के तीन बंदरों की मूर्ति, बेल धातु या पीतल से बने भोजन परोसने वाले रसोई के बर्तन, पीतल की करछुल, विवाह अनुष्ठानों में उपयोग किए जाने वाले बर्तन, पीतल के बर्तन, असम अनुष्ठान की वस्तुएं वगैरह देख सकते हैं।
भारत के असम और उत्तर पूर्व में रक्षा उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार की स्थानीय रूप से निर्मित तलवारें, भाले, धनुष और तीर और ढाल का उपयोग किया जाता था। तलवारें आमतौर पर लोहे की होती थी। हथकरघा या हैंडलूम अनुभाग में आप करघा बुनाई की प्रक्रिया फ्लाई शटल लूम जेककवार्ड मशीन के साथ फ्लाई शटल लूम राभा, बोडो, दिमासा, खामियांग, नागा, मणिपुरी, त्रिपुरा, मिजो, सिंगफो और गारो लोगों के शॉल और कपड़े देखना न भूलें। लोकप्रिय पारंपरिक असम आभूषण या असोमिया गोहोना में उत्कृष्ट लोकापारो, केरू, थुरिया, जंगफई, लॉन्ग केरू, सोना या मकोरी वाले झुमके शामिल हैं। गोलपाटा, सत्सोरी, जून बीरी, बेना, गेजेरा, ढोल बीरी, डूग डूगी, बीरी मोनी, मुकुता मोनी, पोल मोनी, सिलिखा मोनी और मगरदाना सहित हार और सेनपाटा, होरिन साकुआ, जेथिनेजिया, बखारपाटा और अन्य सहित विविध अंगूठियां शामिल हैं।
उत्तर पूर्व भारत बड़ी संख्या में विभिन्न चावल प्रजातियों का भी घर है जो विभिन्न मौसमों में उगाए जाते हैं, जिन्हें आप यहां देख सकते हैं। उनमें से अधिकांश हमारे दैनिक व्यंजनों से गायब हो गए हैं या हमारे किसानों के पास उनके बीजों तक पहुंच नहीं है। इनमें से अधिकांश प्रजातियां उच्च पोषण मूल्यों से समृद्ध हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और आप इसे लाइक कमेंट शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह भी सुनिश्चित करें कि आप नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि आप मेरे आगे के वीडियो को मिस ना करें।